हेलो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है कैसे उसको यूज करते हैं सो लेट अस सी पहले समझते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती क्या है फिर हम देखेंगे उसका प्रूफ ओके okay. सबसे पहले देखिए लेट हमें कोई एक सर्किल है और इस सर्किल पर एक पॉइंट है पी इस पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट है लाइक दिस ए पी बी इज अवर टेंजेंट लेट पी इज अवर कॉर्ड तो guys, जो इस कॉड टेंजेंट इनके बीच में जो एंगल होगा ओके कॉड एंड टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इस अल्टरनेट सेगमेंट में रिमेनिंग सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट क्यों है बिकॉज एक सेगमेंट हमारा ये वाला पार्ट हो गया इसका ओके okay, और ये बचा रिमेनिंग सेगमेंट तो ये अल्टरनेट पहला ये दूसरा ये अल्टरनेट तो अल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल होगा लेट इट इज पी आर क्यू ठीक है तो एंगल पी आर क्यू इट इज़ इक्वल टू एंगल क्यू पी बी देट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव सेगमेंट थियोरम यही हमारी होती है अल्टरनेटिव सेगमेंट थियोरम ओके मीन्स कॉड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना होता है वो रिमेनिंग सेगमेंट में बने हुए एंगल के इक्वल होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल एक हमें सर्किल गी बने ठीक है और उस पर एक टेंजेंट गी बने ए बी दिस इज य पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी ए बी ये हमें एक टेंजेंट दे रखी है ठीक है तो हमें एंगल दे रखा है पी क्यू हमें एक कॉड दे रखा है पी क्यू और यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा हुआ है फिफ्टी डिग्री और आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल पी आर क्यू पी आर क्यू एंगल फाइंड आउट करिए ओके तो इसको फाइंड आउट करने के लिए गाइज अगर इसका हम थोड़ा लॉन्ग प्रूफ देखते हैं तो वो थोड़ा लेंथी होता है बट बाय यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम ईजीली बोल सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू यहाँ पर क्या होगा फिफ्टी डिग्री ओके अब ऐसा क्यों होता है वो हम उसके प्रूफ में देखेंगे सो आइए देखते हैं गाइज प्रूफ ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ओके सो सपोज डेट एक हमें सर्किल दे रखा है इस पर एक पॉइंट है पी इस पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी ए बी सो हेयर ए पी बी इज अवर टेंजेंट ओके पॉइंट पी से हमने कॉर्ड ड्रॉ किया पी क्यू ओके एंड इस कॉर्ड से हमने एक इस सेगमेंट में एंगल बना दिया लेट एंगल पी आर क्यू दिस इज अवर एंगल पी आर क्यू तो गाइज हमें प्रूव करना है एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं तो उसका एक प्रूफ देखिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन होगी ज्वाइन ओ टू पी ओ को हमने पी से ज्वाइन किया एंड ओ को क्यू से ज्वाइन किया ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू ओ पी एंड ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया सो अस सी प्रूफ तो गाइज सबसे पहले देखिए ओ हमारा यहाँ पे सेंटर है पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज लाइंग ऑन द सर्कल एंड क्यू इज ऑल्सो लाइंग ऑन द सर्कल सो हियर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा हमारा क्यों रेडियस है गाइज सो हियर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्कल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ओके नाउ हेयर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू यहाँ पे हमारा ओ पी ओ क्यू के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्किल ओके सो देखिए ओ पी हमारी रेडियस है एंड ए पी बी हमारा टेंजेंट है तो so, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है नाइन्टी डिग्री सो देयर फोर ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए पी बी ओ पी हमारा किस पे परपेंडिकुलर होगा ए पी बी पे तो लेट ये एंगल हमारा गाइज नाइन्टी डिग्री दिस एंगल इज ऑफ नाइन्टी डिग्री ओके देयर फोर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री बिकॉज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ओके सो लेट अस सी ओ पी हमारा ओ क्यू के इक्वल है ओके सो लेट एंगल ओ पी बी इसको हमने लेट कर लिया थीटा, एंगल ओ पी बी इट इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल ओ क्यू पी इट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, बिकॉज ट्राइंगल पी ओ क्यू हमारा एक आईसोशलिस्ट ट्राइंगल होगा टू साइड्स आर इक्वल दैट्स वाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल सो हेयर पी ओ क्यू विल भी आइसोशलिस्ट एंगल डियर फोर एंगल ओ पी क्यू इजल टू एंगल ओ क्यू पी बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल आर ऑलवेज इक्वल ओके सो एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ क्यू पी दोनों क्या होंगे इक्वल नाव इन ट्राएंगल पी ओ क्यू इन ट्राएंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इजल टू वन एटी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राएंगल सो एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू और ओ क्यू पी दोनों इक्वल हैं इनको हमने ठीटा लाइट खोआ है तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो गाइज़ यहाँ से हमारा एंगल पी ओ क्यू आ जाएगा वन एट्टी डिग्री माइनस टू थीटा ओके okay. एंगल पी ओ क्यू हमारा आ गया वन एट्टी डिग्री माइनस टू थीटा सो so नाउ अब आप देख सकते हो एंगल पी ओ क्यू हमारा आ गया वन एट्टी माइनस टू थीटा नाउ गाइज़ अब हमें यहाँ पे अगेन एक थ्योरम यूज़ करनी है एंगल मेड बाय एन आर्क ये पी क्यू हमारे यहाँ पर एक आर्क है एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल तो यहाँ पे हमारा जो होगा बेटा एंगल पीओ क्यू नाउ एंगल पीओ क्यू इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू बिकॉज एंगल मेड बाय एन आर्क मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल मेड बाय सेम आर्क सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल ओके सो एंगल पी ओ क्यू यहाँ पर हमें गीवन है वन एट्टी डिग्री माइनस टू थीटा इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू टू को आप अपन में लाइए तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा ओके सो एंगल पी आर क्यू गाइज हमारा यहाँ पर आ चुका है नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा एंगल पी आर क्यू इट इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा ओके तो अब आप यहाँ पे देखोगे गाइज एंगल ओ पी बी ये हमारा नाइन्टी डिग्री है एंगल ओ पी बी नाइन्टी डिग्री एन एंगल ओ पी क्यू ये हमारा थीटा है तो यहाँ से अगर हम एंगल क्यू पी बी फाइंड आउट करना चाहें तो एंगल क्यू पी बी क्या आएगा नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा सो नाउ एंगल क्यू पी बी इट इज़ इक्वल टू एंगल ओ पी बी एंगल क्यू पी भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइज एंगल ओ पी भी माइनस एंगल ओ पी क्यू माइनस एंगल ओ पी क्यू ओके तो एंगल ओ पी भी हमारा नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा तो यहाँ से हमारा एंगल क्यू पी बी आ चुका है गाइज नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा आप इसको इक्वेशन वन दे दीजिए इसको टूट दे दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यू कैन सी एंगल पी आर क्यू नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा एंगल क्यू पी भी नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा सो देअर फोर फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी ओके एंगल पी आर क्यू इजल टू एंगल क्यू पी बी और गाइज यही हमें प्रूव करना था एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी आई होप सो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया दैट इज अवर अल्टरनेट सेगमेंट थी और हम ठीक है इसका एक बार हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज लेट हम एक सर्किल दे रखा है ठीक है और हमें एक पॉइंट दे रखा है इस पर पी लेट ये हमारा एक टेंजेंट है ए पी बी ओके तो गाइज हमें यहाँ पे कॉर्ड दे रखा है पी क्यू और एंगल ए पी क्यू दे रखा है हमें वन थर्टी डिग्री नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल पी आर क्यू हमें एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करना है तो गाइज कैसे फाइंड आउट करेंगे आप यहां पे देख सकते हो कॉर्ड एंड टेंजेंट इनके बीच में एंगल बना हुआ है वन थर्टी डिग्री ये हमारा एक सेगमेंट हो गया यहां पे और बचा हुआ सेगमेंट ये तो अल्टरनेट सेगमेंट से एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो वन थर्टी डिग्री दैट इज दवर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा तो ये हमारी होती है बेटा अल्टरनेट सेगमेंट थियोरम ओके